कोरोना संक्रमण के घटते ग्राफ को देखते हुए 15 फरवरी से राज्य शासन के आदेश के बाद जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना वायरस ने जिले में दस्तक दे दी है और छत्तीसगढ़ में कोरोना के सर्वाधिक संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले के समस्त स्कूलों को एक बार फिर बंद करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही जिले में कोरोना का ग्राफ गिरा और संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई, राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए जिले के सभी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए थे और स्कूलों में सभी नियमों का पालन करते हुए शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाना भी आरंभ कर दिया था। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने जिले में दस्तक दे दी है और एक साल की समय अवधि बीत जाने के बाद कोरोना संक्रमण फिर से जिले में हावी हो गया है और राजधानी रायपुर के बाद सर्वाधिक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दुर्ग जिले में देखने को मिल रहा है और दुर्ग लगातार हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर जिले के समस्त स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद से स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूलों के दरवाजों पर एक बार फिर ताला लटक चुका है और स्कूलों के बेंच, कुर्सी व मैदान बच्चों के बिना फिर एक बार सूने पड़े हैं। स्कूलों के बंद होने की प्रक्रिया को लेकर झाड़ूराम देवांगन स्कूल की प्राचार्य कल्पना द्विवेदी ने बताया कि सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए स्कूलों को संचालित किया जा रहा था, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जान है तो जहान है। 15 फरवरी से स्कूल खुल चुके थे और ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हो रहा था, लेकिन ये जो अभी पुनः संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी जो गति है, रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसे देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाए, तो पुनः आज से बंद हो गए हैं। अभी उनकी परीक्षाओं के विषय में कुछ स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, लेकिन उनकी परीक्षाएं होंगी ज़रूर और यथावत रहेगी उनका सब कुछ। और जहां तक पढ़ाई का सवाल है, जैसे 15 फरवरी के पहले ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी, वैसी कक्षाओं का संचालन होता रहेगा। फिलहाल अगले आदेश तक जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई निरंतर जारी रहेगी और कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा भी लेने पर निर्णय लिया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।